हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आज हम PMT और IPMT एंड PPMT फार्मूले को फुल्ली डिटेल्स से यहाँ से सीखने वाले हैं। तो प्लीज़, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, उसके बाद अगर ये चीज़ें आपको समझ में आती है तब जाके आप चैनल को सब्सक्राइब करना। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं ये जो फार्मूला होता है ये फाइनेंशियल के लिए यूज किया जाता है। जैसे आपको कोई MI बनवाना है या कोई आप चीज़ खरीदे या कोई लोन लियो उस पर किस हिसाब से MI बनवा रहे हैं उस चीज़ को इसमें हम कैलकुलेट करते हैं, यानी कोई फाइनेंशियल चीज़ों को हम कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे इन फार्मूलों का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, आके यहाँ पे हम मान लेते हैं कोई लोन अमाउंट ले लेते हैं। हमने 1 लाख रुपये का यहाँ पे लोन अमाउंट रखना चाह, इंटरेस्ट इस पर हमें रख लिया कि 10% इसका इंटरेस्ट है वो ईयरली है। तो यहाँ पे इसको पहले हम परसेंट में कन्वर्ट कर लेंगे यहाँ से, तो ये वैल्यू परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अब यहाँ पे हमने फिर से इंटर कर दिया, अब यहाँ पे हम लिखेंगे 10, क्योंकि आप पहले से वहाँ पे अगर लिख के वैल्यू करते हो तो वो ऑटोमेटिक 100 वैल्यू दिखाएगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया। अब यहाँ पे लोन पीरियड लिखेंगे, कितने टाइम आप लगा रहे हो। मान लेते हैं हमने 1 ईयर का लिया है तो 1 ईयर यहाँ पे लोन पीरियड दे दिए। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे मंथली MI कैलकुलेट करना है कि मंथली कितने रुपए हमें पेमेंट करना होगा एक साल में, यानी 12 किस्त होगी और इसका कितना रुपये पर मंथ की MI आने वाली है उसी को हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर आप लिखेंगे फार्मूला PMT, टाइप कर देंगे तो ये फार्मूला ऑटोमेटिक इस पर आ जाएगा। और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है रेट, रेट तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारा रेट है जो EMI इंटरेस्ट के हिसाब से निकाला जाएगा। तो ये जो रेट है ये ईयरली लगने वाला रेट है, यानी 10% ये ईयरली लगेगा चार, तो इसको हम क्या करेंगे 12 से डिवाइड कर देंगे। फिर कॉमा है, कॉमा के बाद अभी आपसे पूछ रहा नंबर ऑफ पीरियड, यानी कितने पीरियड में आप इस किस्त को जमा कर रहे हैं। तो हम इस किस्त को एक साल में जमा कर रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम इसको सेलेक्ट कर लिए। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ किस्त पूछा है तो एक साल में कितनी किस्त होगी, एक साल में 12 किस्त होगी। तो यहाँ से आप क्या करिए मल्टीप्लाई कर दीजिए 12 से, तो हमने इस तरह मल्टीप्लाई का सिम्बल दिया और 12 से इसको मल्टीप्लाई करने का दे दिया। फिर यहाँ पे कॉमा किए, अभी आपसे पूछ रहा है प्रिंसिपल वैल्यू, तो प्रिंसिपल वैल्यू हमारी ये रही यहाँ पे, और इसको हम क्या करेंगे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जब हम यहाँ पे आएंगे और इसको जैसे आप इंटर करेंगे तो यहाँ पे निकाल के आपको दे देगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अभी ये देखिए डॉलर साइन में आ रहा है, अगर आप रुपये में लेना चाहते हैं तो यहाँ पर करेंसी में आइए और यहाँ से आप मोर फॉर्मेट पे जाके सिंबल को यहाँ से चेंज कर लीजिए। तो जो आपको सिंबल चाहिए उस सिंबल को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन हमें रुपए का सिंबल चाहिए तो हम यहाँ पे रुपए वाला सिंबल सेलेक्ट कर लेंगे। आपको इसी में आके ढूंढना है, ये RES करके लिखा हुआ ले लेते हैं और यहाँ से ओके कर लेते हैं। वहाँ से आप चेक कर लेना जो आपको चाहिए उस टाइप से रख लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पर मंथ की MI निकल के आएगी, यानी आपको ये 12 किस्त जमा करना है और वो किस हिसाब से आपको 8,791 रुपये ये आपका एक मंथली का EMI निकल के आया है। अब इस मंथली EMI में जो आपका इंटरेस्ट होता है उसको हम चेक करना चाहते हैं किस हिसाब से होता है। तो अगर आप इंटरेस्ट निकालना चाहेंगे तो यहाँ से हम मान लेते हैं यहाँ पे हम लिख देते हैं इंटरेस्ट EMI इंटरेस्ट EMI यहाँ पे डाल दिए। इसका फॉर्मेट कॉपी कर लेते हैं और इस पर हम अप्लाई कर देते हैं।
यहाँ से ये हो गया। अब हमें क्या करना है कि जो ये किस्त पहले आई हुई है इसमें जो EMI है इसमें कितने रुपये आपका है इंटरेस्ट, तो इसमें तो दोनों मिक्स हैं, अभी लोन अमाउंट भी मिक्स है यानी आपका प्रिंसिपल अमाउंट और साथ में इसमें इंटरेस्ट भी दिया जा रहा है यानी दोनों मिक्स करके आप यहाँ पे दे रहे हैं, दोनों कंबाइन अमाउंट है। हमें क्या करना है, इस किस्त में से हमें निकालना है इंटरेस्ट को। तो इंटरेस्ट को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पे एक दूसरा फार्मूला यूज करेंगे इक्वल IPMT। इसको जब यूज करेंगे तो यहाँ पे ये भी सेम आपसे रेट पूछेगा, तो रेट के लिए हम क्या करेंगे, यही हमारा इंटरेस्ट रेट है उसको हम क्या करेंगे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इसको हम डिवाइड करेंगे 12 से क्योंकि ये ईयरली चार्ज है। अब इसमें आपसे एक चीज़ पर करके पूछेगा कि यानी कौन सा किस्त आप जमा कर रहे हैं, पहली दूसरी तीसरी, उस हिसाब से इसका ये MI निकाल के देगा यानी इंटरेस्ट MI निकाल के देगा। अब यहाँ पे हम जो अभी मान लेते हैं कि ये जो हमने पहले ही किस्त जमा किया है तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1, फिर कॉमा करेंगे और अब ये नंबर ऑफ पीरियड पूछ रहा है तो नंबर ऑफ पीरियड यहाँ पे है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये ईयरली है, इसको हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद कॉमा और यहाँ पे फिर आता है प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू ये लोन अमाउंट है और इसको जैसे आप इंटर करेंगे तो यहाँ पे जो आपको दिखा रहा है इसका फॉर्मेट हम यहीं से फॉर्मेट प्रिंटर से कॉपी करते हैं और इस पर अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे 833 रुपये जो इसका है ये इंटरेस्ट MI है। और अगर हम यही चीज़ अपना प्रिंसिपल वैल्यू चेक करना है तब क्या करेंगे, तो फिर हम यही नीचे आते हैं और यहाँ पे एक हम ले लेते हैं प्रिंसिपल वैल्यू का यानी प्रिंसिपल अमाउंट। इसका फॉर्मेट यहाँ से फिर कॉपी करते हैं और इस पे लाके अप्लाई कर देते हैं और यहाँ पे भी सेम वही प्रोसेस, यहाँ से इसका फॉर्मेट कॉपी और इस पे लाके अप्लाई। अब हमारी ये दो चीज़ें निकल के आ चुकी है, मंथली MI हमने इसका निकाला कि मंथली MI ये यार निकल के आएगी और इंटरेस्ट MI आपका निकल के ये आने वाला है। अब हमें इसका प्रिंसिपल अमाउंट की पहले मंथ में कितना हमारा प्रिंसिपल अमाउंट जमा हुआ है उसको हम चेक करने वाले हैं। तो यहाँ पे जब आप इसको चेक करेंगे तो यहाँ पे इक्वल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे PPMT, ये फार्मूला ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे रेट आपसे पूछ रहा है तो रेट के लिए हम फिर वही सेम रेट हमारा यही है, इसको हम डिवाइड करेंगे 12 से क्योंकि ईयरली लग रहा है कॉमा। अब यहाँ पे नंबर ऑफ पर पूछ रहा है तो अभी हमने यहाँ पे जो पहले किस्त जमा किया था और उसी को हमने निकाला है कि इंटरेस्ट पहले किस्त में 833 रुपये आया, तो यहाँ पे भी हम 1 लिखेंगे और फिर कॉमा। अगर आपकी दूसरी किस्त जमा है 2 लिखेंगे, तीसरी किस्त जमा है 3 लिखेंगे, तो हमारी पहले किस्त है हम उसी का निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर हमने 1 लिखा। अब यहाँ पे पूछ रहा है नंबर ऑफ पीरियड, तो नंबर ऑफ पीरियड ये है लोन अमाउंट, ये एक ईयरली है तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से क्योंकि एक ईयर में 12 मंथ होते हैं कॉमा। अब यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू आपका लोन अमाउंट ये है, इसको जैसे हम इंटर करेंगे तो यहाँ पे टोटल दिखा देगा कि 7958 रुपये आपका प्रिंसिपल अमाउंट जमा हुआ और उसमें इंटरेस्ट आपका 833 रुपये जमा हुआ है। अगर हम दोनों को इक्वल कर रहे हैं, यहाँ पे मान लेते हैं मिला देते हैं दोनों को, नीचे आते हैं यहाँ पे दोनों को जोड़ देते हैं, इक्वल करते हैं यहाँ पे इस अमाउंट को यानी इंटरेस्ट को प्लस करते हैं ये जो प्रिंसिपल अमाउंट, दोनों को जैसे हम इंटर करेंगे देखेंगे ऊपर जो 8,8,591.59 करके आया था तो सेम अमाउंट यहाँ पे भी आएगा। तो यानी जो आपकी पहली किस्त जमा हुई थी मंथली MI में आपका इंटरेस्ट 833 रुपये लगा था और यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट इतना हुआ था। मान लेते हैं यही सेम चीज़ें हम दूसरे सीट पे करते हैं, यहाँ पे हम क्या किए हैं, एक कार का प्राइस है 6 लाख रुपये, दूसरा उसका दिखा रहा डाउन पेमेंट हुआ है 1.5 लाख रुपये,
अब हमें कार का लोन अमाउंट यहाँ पे निकालना है, तो पहले हम यहाँ पे निकाल लेंगे कि जो ये 6 लाख है माइनस कर लेंगे जो डाउन पेमेंट है। तो यहाँ पे इस तरह जो कार का इस टाइम लोन अमाउंट है वो आपको निकल के आ जाएगा। अब मान लेते हैं जो ये रेट है, ये अभी हमने फिर भी लिया है जो इंटरेस्ट रेट है, ये हमने 2 ईयर का लिया है, यहाँ पे हम लिख देते हैं ईयरली, हमने कितने का लिया है ईयरली का लिया, यानी 2 ईयर्स का लिया है। और इसको बंद कर लिया, तो यहाँ पे ईयरली हो गया। अब यहाँ पे लोन पीरियड इंटरेस्ट ईयरली नहीं रहे, यहाँ पे इंटरेस्ट ईयरली जो भी है, हम यहाँ पे कितना इंटरेस्ट है इस पर मान लेते हैं 5% इंटरेस्ट लग रहा है इस अमाउंट पे, तो इसको हटा देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं 8% कर देते हैं, जो इंटरेस्ट ईयरली लग रहा है वो 8% लग रहा है। लोन पीरियड यहाँ पे बताएंगे कितने टाइम के लिए आप ले रहे हैं, मान लेते हैं हम ईयरली ले रहे हैं, ये भी इसको भी हमने ईयरली लिखा, और यहाँ पे जो हम ईयरली ले रहे हैं वो है 2 साल का, यानी 2 ईयर्स का हमने लिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ईएमआई मंथली इसका कैलकुलेट करना है कि कितने रुपए इसका ईएमआई निकल के आ रहा है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे इक्वल करेंगे जैसे अभी पिछले बार हमने किया, वही सेम प्रोसेस यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, PMT रेट, सेम रेट वही होगा, ये ईयरली रेट लग रहा है तो यहाँ से हम इसको डिवाइड करेंगे 12 से, कॉमा नंबर ऑफ वर्क पूछ रहा है यानी नंबर ऑफ पीरियड, तो पहले ही किस्त है नो, यहाँ पे लोन पीरियड होना चाहिए। यहाँ पे क्या करेंगे, ये 2 साल का है तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, क्योंकि 1 साल में 12 मंथ यानी 1 साल में 12 मंथ होंगे, तो ये 2 ईयर का है तो यानी 24 किस्त इसकी बनने वाली है, तो ये 2 लिखा है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, तो वो 24 हो जाएगा, कॉमा कर लिए। प्रिंसिपल वैल्यू पूछ रहा है, अब ये प्रिंसिपल यानी लोन अमाउंट ये है, ये आपका कार प्राइस दिया था जैसे आपने डाउन पेमेंट किया इतने का, तो अब कार अमाउंट ये इतना बचा हुआ है जिसपे इसी पे लोन का हमें किस्त बनाना है, तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे और इंटर कर देंगे तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा। इसकी फॉर्मेटिंग आप सही कर लीजिए, यहाँ पे आइए और यहाँ से साइन चेंज कर लीजिए, जो रुपए का ये डॉलर दिखा रहा है तो यहाँ पे आप आके रुपए का सिंबल इस तरह कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे आप चेक करेंगे बहुत सारे इसमें करेंसी के सिंबल है, मान लेते हैं हमने हिंदी करके इस तरह ये ले लिया रुपए का, तो ये रुपए का ये पर मंथ की ईएमआई निकल के आने वाली है उसकी, यहाँ पे जो है पर मंथ की ईएमआई निकल के आ जाएगी। अब अगर ये चीज आप इंटरेस्ट निकालना चाहते हैं पहले किस्त में कितना, एक स्लैब बना लेते हैं, एक साइड में यहाँ पे स्लैब बना लेते हैं समझने के लिए। जैसे हमने रखा पर किस्त यानी पर करके, यानी पहली किस्त दूसरी किस्त यहाँ पे उसका रख दिया, इंस्टॉलमेंट लिख देते हैं, इंस्टॉलमेंट और एक दूसरा यहाँ पे बना लेते हैं ईएमआई इंटरेस्ट रख लेते हैं, और यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट रख लेते हैं।
तीन चीज़ें रखे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने जितनी हमें किस्त बनानी थी, मान लेते हैं हमें यहाँ पे 24 किस्त बनानी है, तो हमने इसको क्या किया, वन करके और यहाँ पे टू लिख के इसको ड्रैग कर लिए। इसको नीचे तक आप करेंगे तो ये 24 तक हमने इसको ड्रैग कर लिया, यानी इतनी हमारी इंस्टॉलमेंट जमा होने वाली है। ना यहाँ पे लिख देते हैं, इंस्टॉलमेंट। अब यहाँ पे क्या होगा कि आपको ईएमआई निकालनी है पहले मंथ की। एक चीज़ ये है कि अभी हम इंटरेस्ट, प्रिंसिपल अमाउंट सब चीज़ों को ड्रैग करके निकालेंगे, तो इसके लिए आपको करना क्या होगा कि यहाँ पे आप इक्वल करेंगे और यहाँ पे आएंगे। क्या पूछ रहा है, यहाँ पे सबसे पहले हम ईएमआई निकालने के लिए पीएमटी यूज करेंगे। रेट आपसे पूछ रहा है, रेट ये है, इसको हम क्या करेंगे, पहले ये फोर से लॉक करेंगे, क्योंकि इस फार्मूले की इस बार अब हम क्या करेंगे, ड्रैग करने वाले हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले इसको F4 से लॉक कर देंगे। लॉक होने के बाद कॉमा करेंगे। अभी आपसे नंबर ऑफ पर पूछ रहा है, तो ए है पीरियड, इसको भी आप क्या करोगे, लॉक कर दोगे F4 से, ताकि जब आप ड्रैग करो नीचे तक तो सबका अमाउंट सेम आना चाहिए। ए जो एरिया है फिक्स होना चाहिए, एक खिसकना नहीं चाहिए, इसके लिए हम लॉक कर रहे हैं। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 से कॉमा, और यहाँ पे फिर आप आएंगे तो एक कार का लोन अमाउंट है जो प्रिंसिपल अमाउंट, इसको भी आप क्या करिए F4 से लॉक कर दीजिए। एंड इंटर करेंगे तो यहाँ पे उसकी पर मंथ की एमआई निकल के आ जाएगी। एमआई ये निकल के आया है, कितना आया है यहाँ पे, तो देखिए एमआई जो यहाँ पे आप गलती किए थे, यहाँ पे हम लोग फिर से आपको दिखाते हैं। यहाँ पे हमने 12 से मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं किया था, क्योंकि ये जो इंटरेस्ट है वो 12 से डिवाइड होगा। अब इंटर आप करेंगे तब जाके सही अमाउंट दे देगा। अभी यहाँ पे फॉर्मेट इसका चेंज किए थे, यही फॉर्मेट प्रिंटर से यूज कर लिए इस पर, और सेम यही फॉर्मेट प्रिंटर इधर भी अप्लाई कर देते हैं इन दोनों पे। दोनों पे अप्लाई हो चुका है। अब यहाँ पे अगर आप इसको ड्रैग कर रहे हैं, ये 24 मंथ की किस्त है, आप इसको ड्रैग करिए यहाँ तक, 24 तक हम इसको ड्रैग कर लिए, तो टोटल अमाउंट हर मंथ में वही सेम आने वाला है जो वहाँ पे आया है। अब यही चीज़ हम यहाँ पे निकालेंगे, इसको आते हैं। अब हम इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे कि पहले मंथ में हमारा इंटरेस्ट कितना था, मतलब एक पूरा चार्ट इसका क्रिएट कर रहे हैं कि इंटरेस्ट कितना था। अब इंटरेस्ट के लिए पहले मंथ की किस्त में कितना गया, दूसरे मंथ की किस्त में कितना गया, यहीं पे हमने वो किस्त का लिखा है, इंस्टॉलमेंट लिखा है। अब यहाँ पे आएंगे आप, इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या यूज किए थे, आई पी एम टी। अब रेट यहाँ पे पूछ रहा है, रेट आपका ये रहा, इसको भी लॉक करेंगे और इसको 12 से डिवाइड कर देंगे कॉमा। पर पूछ रहा है, इस बार पर मंथ की किस्त ये है, अभी पहले किस्त ये जमा है, ये लॉक नहीं होगी क्योंकि ये ड्रैग होनी चाहिए, 2, 3, 4 जो किस्त जमा होगी उसके हिसाब से कॉमा कर लिए। अब इसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है नंबर ऑफ पीरियड, तो यहाँ पे नंबर ऑफ पीरियड 2 साल का है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन इसको भी हमने लॉक करना भूल गया, तो यहाँ पे आप आके इसको लॉक करेंगे, ये लॉक हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू पूछ रहा है, तो प्रिंसिपल वैल्यू ए रही, इसको भी हम F4 से लॉक, एंड इंटर जैसे करेंगे तो यहाँ पे निकल के इंटरेस्ट आ जाएगा। अब इंटरेस्ट देखेंगे पहले मंथ में 3000 है। अब ये चीज़ जैसे नीचे की तरफ आप ड्रैग करेंगे तो ऐसे आपका एमआई पूरा 24 मंथ का निकल के आ जाए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इसका एमआई था पहले मंथ में, इसने 3000 रुपये लिया। दूसरे मंथ में देखिए आपका अमाउंट कम हुआ, प्रिंसिपल अमाउंट 2000 यानी 2800 रुपये हुआ, फिर 2700, ऐसे ऐसे लास्ट में आप देखेंगे एमआई पूरी आपकी सबसे कम यहाँ पे गई है, 134 रुपये। अब ये चीज़ यहाँ पे हम इसका
प्रिंसिपल अमाउंट भी यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो प्रिंसिपल अमाउंट के लिए इक्वल पी पी एम टी ये करेंगे। रेट पूछ रहा है तो रेट आपका ए है, इसको ये फोर्थ लॉक लॉक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें ड्रैग करना पड़ रहा है, पूरा स्लैब हम चार्ट उसका क्रिएट कर रहे हैं कितने साल का क्या क्या है। यहाँ पे आप करेंगे इसको 12 से कॉमा, पर पूछ रहा है तो पहले किस्त है, पहले किस्त का हम निकाल रहे हैं इसको करके, फिर यहाँ पे नंबर ऑफ पीरियड यहाँ पे आप देंगे 2 ईयर्स का है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से 12 से कॉमा, और प्रिंसिपल अमाउंट ए है यानी लोन अमाउंट ए है इसको भी हम लॉक कर देंगे और इंटर कर देंगे। तो यहाँ पे भी ये पूरा क्रिएट कर दिया है चार्ट, ये अब देखेंगे दोनों को हमने निकाल दिया है। और ये देखिए नीचे की तरफ इस तरह आ रहा है, ऐसा क्यों, यहाँ पे चेक करते हैं। यहाँ पे जो है पी पी एम टी 12 है कॉमा F3, यहाँ पे आप देखिए क्या किए हैं, F3 को आपने मल्टीप्लाई नहीं किया, वैसे वो मल्टीप्लाई होगा भी नहीं, प्रिंसिपल अमाउंट इसको फिर से हटा के करते हैं इक्वल पी पी एम टी रेट इसको F4 से लॉग डिवाइड बाय 12 कॉमा नंबर ऑफ पीरियड यानी पर किस जो है ए है कॉमा, इसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ पीरियड पूछ रहा है तो यहाँ से आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे कितने से 12 से कॉमा, और इसके बाद यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू पूछ रहा है इसको भी हम क्या करेंगे F4 से लॉक, और यहाँ पे देखिए इसको F4 से लॉक नहीं किए तो ये भी लॉक होना चाहिए, आप सबको लॉक करेंगे तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना, नहीं तो ये अमाउंट आपका सही नहीं आएगा। आप इंटर जैसे करेंगे अब यहाँ पे वही अमाउंट दिखा रहा है, अब इसको आप ड्रैग करिए, देखिए यहाँ तक आ रहा है पूरा, इसको नीचे तक करेंगे, यहाँ पे आप देखिए पूरा अमाउंट आ गया है कि यहाँ पे 20,217 रुपये और ये 134 रुपये लगा। अगर इस चीज़ को हम दोनों को यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट, यहाँ पे हमने दोनों को जोड़ दिया, किसको जोड़ते हैं प्रिंसिपल यानी प्रिंसिपल वैल्यू प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को हमने जोड़ दिया तो यहाँ पे अभी आप देखेंगे जो यहाँ पे एमआई था वही सेम निकल के आएगा, इक्वल किए ए था इंटरेस्ट प्लस कर लिए और ए था प्रिंसिपल अमाउंट, इसको जैसे इंटर किए देखिए यहाँ पे जो एमआई अमाउंट था वही सेम यहाँ पे भी आया, यानी आपका एमआई फिक्स रहेगा लेकिन उसी में क्या होगा देखेंगे तो पूरा एमआई यहाँ तक शो होगा, हमेशा आपका एमआई वही जाएगा जितने रुपए पहले किस्त में जमा हुआ था, लेकिन जो इंटरेस्ट होगा वो इसमें हमेशा चेंज होगा क्योंकि जब आपका प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ से कम होगा तो उस पर एमआई कम लगेगा, फिर आपका 17,000 इतना रुपये फिर एमआई कम होगा यानी प्रिंसिपल अमाउंट, तो जो इंटरेस्ट लगेगा उस अमाउंट पर लगेगा, तो ऐसे ऐसे एक समय आएगा धीरे धीरे लास्ट में आपका इंटरेस्ट देखिए सिर्फ 134 रुपये यानी लास्ट वाली किस्त पे आपका 134 रुपये ये गया है, और इस तरह आप पूरा परफेक्टली उसको चार्ट बना के दे सकते हो दिखा भी सकते हो कि किस हिसाब से आपका पूरा एमआई का कैलकुलेशन हो रहा है। अगर हम यहाँ तक इसको थोड़ा सा इसको यहाँ से मिडल में कर लेते हैं और यहाँ पे ऑल बॉर्डर लगा देते हैं, इसको थोड़ा बोल्ड कर देते हैं, ठीक है, ये पूरा परफेक्टली आपका ये चार्ट क्रिएट हो चुका है, और यहाँ पे आप बहुत ही आसानी से इस तरह इसको निकाल के पूरा चार्ट द्वारा किसी को भी समझा सकते हो। अगर हम नीचे आते हैं टोटल अगर हम देखें तो कितना हमारा इंटरेस्ट गया कितना अमाउंट गया ये चीज़ें हम यहाँ पे चेक करते हैं,
अब यही है, सबको इक्वल करने के लिए आप अल्ट इक्वल का यूज कर सकते हैं, यानी शॉर्ट की इसका अल्ट इक्वल। अब जैसे प्रेस करेंगे और यहाँ से इसका हम एंटर कर देंगे तो यहाँ पे बता रहा है 4,88,000 ये टोटल अमाउंट हमने पेमेंट किया। अब इंटरेस्ट यहाँ पे अगर हम अल्ट इक्वल करके चेक करते हैं तो ये इंटरेस्ट को भी एंटर कर दिए। यहाँ पे ऊपर का दिखा रहा है कि 38,454 रुपये आपने इंटरेस्ट जमा किया, और जो प्रिंसिपल अमाउंट था अगर हम इसको चेक किए सामने का ले लिया तो यहाँ पे हम सम फार्मूला टाइप करके और यहाँ से रेंज पूरी सेलेक्ट कर लेते हैं, एंटर कर लिए। तो यहाँ पे 4,50,000 रुपये वो लोन अमाउंट था, जबकि उसमें इंटरेस्ट अमाउंट आपका 38,000 रुपये गया, टोटल मिला के आपका 4,88,000 हुआ था, और यही पूरा यहाँ पे भी दिखा रहा है। तो इस तरह आप बहुत ही आसानी से किसी का भी चार्ट वाइज भी क्रिएट करके दे सकते हैं कि पहले मंथ में आपके इतना EMI गया, दूसरे मंथ में इतना EMI गया, तो परफेक्टली आप पूरा चार्ट बना के दे सकते हैं। और अब ये हमें लग रहा है कि आपको परफेक्ट तरीके से EMI का पूरा कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।